भारतीय जनता पार्टी का आज अनुसूचित मोर्चे का राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ होने जा रहा है। मेरी मौजूदगी इस समय आप देख सकते हैं, बिल्कुल मंच के नज़दीक है। लेकिन आज उन महिलाओं से बात करने की मैं कोशिश करूँगी जो महिलाएं राजस्थान और MP तमाम जगह से महिलाएं यहाँ पहुँची हैं। आज उनसे बात करेंगे कि आखिरकार इस अधिवेशन के क्या मायने लगाए जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? अंजू जाटा, प्रदेश उपाध्यक्ष SC मोर्चा। आज यहाँ पहुँची हैं, इस अधिवेशन की आप किस तरीके से देखती हैं और क्या इसके मायने लगा सकते हैं? अब इसमें देखते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और अब लोकसभा चुनाव है। हम ये चाहते हैं इस सम्मेलन में सभी दूर दूर से महिला आई हैं, और अब चुनाव भी पास में है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोदी जी को जिताएं और सांसद बनाएं, यही हमारी शुभकामना। देखिए, राजस्थान से SC मोर्चे के अध्यक्ष, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे आप आज यहाँ पहुँची हैं कहाँ से? मैं राजस्थान से हूँ और पूर्व विधायक हूँ चाकसू से। क्या कहना चाहेंगे इस अधिवेशन के क्या मायने? हमारा अधिवेशन होता रहता है ये 5 साल में। राष्ट्रीय अधिवेशन है? राष्ट्रीय अधिवेशन की कह रही हूँ। तो ये 5 साल में आज यहाँ पे आगरा हुआ है, तो हमें यहाँ आने का मौका मिला है और अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा, मतलब गैदरिंग भी है और चुनावी माहौल है, तो मैं समझती हूँ 400 पार मोदी है। देखिए, आप बहुत बड़ी बात बोल दी, 400 पार का जो BJP का नारा है वो कहीं ना कहीं लगा के अपने नारे को लगाती हुई आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो ये अधिवेशन है इसके तमाम अनुमान लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों को साधने का काम किया गया है, इसीलिए आज दलित की राजधानी आगरा से इसकी शुरुआत की गई है। निर्मला जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज आप यहाँ पहुँची हैं, तमाम महिलाएं यहाँ बैठी हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय अधिवेशन है अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं का अधिवेशन है, विशेष रूप से उनका आयोजन किया जा रहा है, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इसके क्या अनुमान लगा रही है? आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अनुसूचित मोर्चे का महासम्मेलन है और इस महासम्मेलन में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आप हम सब के सामने आने वाले हैं और उनको उद्बोधन हमें मिलेगा, क्योंकि अब की बार 400 पार का मंत्र लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसमें आधी आबादी को उन्होंने पूरी सुख सुविधाएं, उनके स्वाभिमान सम्मान, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए जो कदम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने उठाए हैं, उन सबको देखते हुए आज राष्ट्रीय महासम्मेलन आगरा की इस कोठी मीना बाजार पर आयोजित किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी कि केंद्र की सरकार चली अंत्योदय की भावना को लेकर, तो निश्चित ही हम अब की बार 400 पार करेंगे। देखिए, तमाम वादे और इरादे लेके भारतीय जनता पार्टी उन कार्यकर्ताओं, उन वोटरों के बीच में पहुंची है, अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया है। लेकिन आज यहां पर जो इतना बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन का शुरुआत की जा रही है, वो अधिवेशन के तमाम अनुमान लगाए जा रहे हैं, आगरा की जनता तमाम उसके बारे। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी, आज का अधिवेशन विशेष रूप से उस वर्ग को साधने के लिए किया जा रहा है, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, और कहीं ना कहीं ताजनगरी आगरा को दलित की राजधानी भी कहा जाता है, क्या सोचती हैं, क्या सुनना चाहती हैं अपने नेता से, क्या पहले हम एक बात कहते हैं, आप कह रहे हो वर्ग को साधने के लिए, हमें वर्ग के साधने की कोई जरूरत ही नहीं है, हर वर्ग हमारे साथ है। अनुसूचित मोर्चे के नहीं हो? नहीं, ये वाली बात नहीं है, हम तो सभी के साथ सम्मेलन कर रहे हैं और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक वर्ग ही आया हो, यहाँ हर वर्ग का है, ब्राह्मण भी आया है, अनुसूचित जाति भी आया है, एक सम्मेलन का नाम है। हमारी सरकार कभी भी जातिवाद की ओर बढ़ावा नहीं देती है, ये सबको लेके साथ है, सबका साथ सबका विकास। और इस बार जो हमारी मोदी सरकार जो बनने जा रही है, अब की बात 40 पार, जय हो भाजपा, 400 पार। जैसे कि देखा, अभी महिलाओं के चेहरे पे विकेट की मुस्कान है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है 400 पार को लेकर, वो लगातार जनता के बीच में पहुंचती है, जनता के बीच में अपनी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर अपने वोटरों से रूबरू होती है। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आज आप यहाँ पहुँची हैं, इस अधिवेशन के को कैसे लेती है, क्या सोचती है? ये अनुसूचित जाति का महासम्मेलन है, इसमें हमारे योगी जी और नड्डा जी माननीय आज आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए इतनी सारी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी लोग आए हैं, और ये 24 में भी हमारे माननीय योगी जी ही आएंगे, ये हम तमन्ना आपसे बात करते हैं, जल्दी अपनी बात
क्या कहना चाहेंगी? बहुत जल्दी बात। मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी, 400 पार तो हम हो ही रहे हैं, पर हमें आपको भी देख के प्राउड होते हैं। मोदी सरकार में हम महिला बहुत सुरक्षित है, ये आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है। और हम, मैं यही कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी कभी जात पात की राजनीति नहीं की है। जय श्री राम नाम का लेके हम 400 पार करें, धर्म की राजनीति करते हैं, साथ साथ समाज की बेटियों को भारतीय जनता पार्टी में रह के मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। मैं जिस समाज से आती हूँ, जिस समाज में मुझे कभी फील ही नहीं था, भारतीय जनता पार्टी में आके बहुत 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 सम्मान मुझे मिलता है। जहाँ एक तरफ महिलाएं अति खुश हैं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, वही दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो लगातार ताबड़तोड़ आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि अगर राष्ट्र को बचाना है, देश को बचाना है, तो मोदी सरकार को भगाना है। ये राहुल गांधी का आरोप है लगातार भारतीय जनता पार्टी पे। लेकिन सुरक्षा की बात करें तो महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद खुश हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो चेहरे की मुस्कान बता रही है कि इस पार्टी में महिलाएं बहुत ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। ताजनगरी आगरा से रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज़।